हिमाचल आम आदमी पार्टी शिमला संसदीय क्षेत्र के इंचार्ज राकेश चमन आजता ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा कभी भी प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर नहीं है। आज भी प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह जनता के लिए नाकाफी हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाना आम जनता का अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके सरकार जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रही है। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिमला संसदीय क्षेत्र के इंचार्ज राकेश चमन आजता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में एक ही बेड पर दो मरीजों का इलाज किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज भी मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर आज तक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कोई आश्वस्त करना चाहती है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। पहले दिन से देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग इसको बनाते आए हैं और बना रहे हैं ताकि हमारे लोगों को, और इसी उसी तर्ज पर दिल्ली और पंजाब के बाद हिमाचल में भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, क्योंकि यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि वेंटिलेटर पर जा चुकी है। ना तो डॉक्टर्स हैं अवेलेबल है रूरल एरियाज में, तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं का, ना बड़े बड़े अस्पतालों में भी एक एक बेड पर दो दो तीन तीन पेशेंट जो है वो बेचारे तकलीफ झेल रहे हैं। यहाँ पर पे डायग्नोस्टिक्स जो भी है वहाँ पे कोई भी, आप बीच बीच में जैसे कि आपके माध्यम से भी ये चीज़ बार बार आती रही है कि वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं कभी कोई टेस्ट बंद हो जाता है 15 दिन के लिए, कभी कोई मशीन खराब हो जाती है, कभी हम लोग देखते हैं कि सीटी स्कैन जैसा जो एक बेहद ही, क्योंकि बड़े बड़े जटिल जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उसके लिए बहुत एक आवश्यक वो मशीनरी है, वो 10-10, 12-12 दिन तक खराब हो जाती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ इस समय है वो रूरल एरियाज में है, जहाँ पे लोगों को पीठ पर ढो करके या पालकियों के माध्यम से उनको लाया जा रहा है दूर दूर अस्पताल में, और कई बार बेचारों की मौत हो जाती है रास्ते में स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने के कारण। तो हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक्स वहाँ पे हम लोगों ने दिए हैं, वहाँ पे हम लोग दवाएं फ्री दे रहे हैं, निःशुल्क दवाएं हैं, और साथ साथ में जो ऑपरेशंस हैं वो कितना भी खर्चा आ जाए वो सारे का सारा उसका जो वहन है वो खर्चा जो है वो सरकार वो कर रही है। और 125 क्लिनिक हम लोग पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोल चुके हैं, जबकि वहाँ पे सरकार में आए हुए हमारे को केवल 5 महीने हुए हैं। तो इसी तर्ज पर हिमाचल की सरकार को हम बार बार इसी मुद्दे पर लाना चाहते हैं, इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, हम लोग इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं कि आप कृपया करके हिमाचल की जो जनता है उसको आप स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।